तो पोनियन सेल्वन पार्ट टू का ट्रेलर आ चुका है। पोनियन सेल्वन पार्ट वन जो है तमिलनाडु में एक ह्यूज सक्सेसफुल साबित हुआ था, लेकिन हिंदी बेल्ट पे वो अच्छा से चल नहीं पाया था। तो देखते हैं कि PS2 जो है कैसा रिस्पांस मिलता है। PS2 का जो ट्रेलर है वो देखने में आपको सभी कैरेक्टर्स के इंट्रो देखने को मिलता है, सब कैरेक्टर्स के बारे में हमें कुछ और जानकारी मिलती है, जहाँ ऐश्वर्या राय का जो पोर्शन है वो बिल्कुल बेस्ट नज़र आ रहा है, जहाँ उनके फेशियल रिएक्शन से लेकर उनके जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो दमदार नज़र आ रहा है। जब ऐश्वर्या राय और चियान विक्रम का फेस ऑफ होता है ट्रेलर के लास्ट में, तो वो देखने में और भी ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि PS2 की जो कहानी है पोनियन सेल्वन जो नॉवल है इसको जो पढ़ चुका हूं ना, तो पता है कि कहानी में क्या होने वाला है। लेकिन हिंदी बेल्ट में जो बहुत सारे लोग जानते नहीं है चोल समाज के इतिहास के बारे में, और तमिल जो है इंडस्ट्री में जो है ये ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए जो हिंदी बेल्ट में इसका रिस्पांस देखने को जरूर मिलेगा कि कैसा होने वाला है, क्योंकि पार्ट वन का तो अच्छा खासा रिस्पांस हिंदी में नहीं मिल पाया था। यह तमिल अपने तमिल इंडस्ट्री में ही सक्सेसफुल साबित हुई, तो इस बार देखना पड़ेगा कि PS2 जो है हिंदी बेल्ट में क्या कमाल कर पाता है। और मणिरत्न के डायरेक्शन से तो ये सिंपल है, साफ है कि PS4 पार्ट वन को देखते हुए कि ये जो है इसका एक्शन सीक्वेंस जो है सिंपल होने वाला है, ज़्यादा आउट ऑफ द ग्राउंड एकदम अलग से नहीं होने वाला, क्योंकि बाहुबली की तरह इसमें सिनेमेटिक फुटेज आपको अलग से एक्शन सीक्वेंस देखने को नहीं मिलने वाले, एक सिंपल रॉ फुटेजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसका स्क्रीन प्ले और ड्रामा का जो पोर्शन है वही सबसे ज़्यादा हाई और सबसे ज़्यादा देखने लायक होने वाला है। तो जो हम जैसे जो इतिहास में जो रुचि रखने वाले हैं, जो भारतीय साम्राज्य के भारतीय इतिहास के गौरवशाली इतिहास को देखने में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए तो एक अच्छा खासा फिल्म होने वाला है, क्योंकि चोल साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को उसमें दिखाया जाने वाला है। तमिल भाषा की और तमिल संस्कृति की गौरवशाली इतिहास को यहाँ दिखाया जाने वाला है, जिसको हम तो भारतीय इतिहास ही कहना चाहिए, क्योंकि ये जो बांटने का काम जो है ये तमिल द्रविड़ियन आर्यन द्रविड़ियन पॉलिटिक्स वाले लोग ही करते हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाले मानने वाले ही लोग करते हैं, जबकि वो झूठी थ्योरी आज सबको पता चल चुका है। तो PS पार्ट टू में जो है सभी कैरेक्टर्स के जो इंट्रो देखने को मिलते हैं ट्रेलर में, जो है सभी के लुक रिवील होते हैं कि कैसे उनका कैरेक्टर आगे बढ़ने वाला है। तो इसमें जो है ऐश्वर्या राय का कैरेक्टर सबसे दमदार नज़र आ रहा है, वहीं चियान विक्रम जो है इसमें उनके साथ फेस ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो देखने में अलग ही मजा आने वाला है। और वहीं जो है जयम रवि का कैरेक्टर पोनियन सेल्वन का जो कैरेक्टर है वो बिल्ट होने वाला है कि किस तरह से वो जो है थ्रोन तक पहुंच पाते हैं। तो देखते हैं कि इसका जो नॉवल जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें तो इसके असली इतिहास के बारे में पता ही होने वाला है, लेकिन नहीं पढ़े हैं उनके लिए जो है एक नया जो है इसमें जो है सस्पेंस तो मिलने ही वाला है। तो क्या आपने PS2 का ट्रेलर देखा, आपको कैसा लगा कमेंट्स को जरूर बताइएगा। हमें तो जो है ऐश्वर्या राय के कैरेक्टर का जो परफॉर्मेंस है इसमें वो जो बेस्ट लग रहा है, चियान विक्रम और उनका जो फेस ऑफ है लास्ट में वो जो है देखने लायक है। तो क्या आपको ये ट्रेलर पसंद आया कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्या इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।